नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निरंजन। आप देख रहे हैं निरंजन पोल्ट्री फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम ऐसा चीज आप लोग को दिखाएंगे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा वीडियो को लास्ट तक देखिए। वो चीज आप लोग को दिखाएंगे और आप लोग को भी बुलाएंगे वो चीज से कैसे बचे, और वो जो चीज हमने लगाया है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वो चीज बेसिकली हमको दिखने मिलेगा, रात को ही मिलेगा। हम रात को ही वीडियो शूट कर दिया है आप लोग को दिखाने के लिए। चलिए हम चलते हैं फार्म का आउटसाइड और आप लोग को दिखाएंगे वो चीज कैसा भयंकर चीज है और वो चीज से बचना है कैसे और क्या चीज इस्तेमाल करूंगी। चलिए हम बाहर की तरफ चलते हैं और आप लोग को दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम फार्म का आउटसाइड पर पहुंच चुका हूं और आप लोग को दिखा रहा हूं वो एक मच्छरदानी, और वो मच्छरदानी का अंदर हमारा मुर्गी है और मच्छरदानी का बाहर क्या चीज बैठा हुआ है आप खुद ही देख सकते हैं। हमारा कैमरा से सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा है और हम कोशिश करता हूँ आप लोग को वो चीज़ को दिखाने के लिए, वो कितना मच्छर बैठा हुआ है एक मच्छरदानी के ऊपर। और आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, हम मुर्गी को भी मच्छरदानी यूज कर सकते हैं और मुर्गी को भी मच्छरदानी से बच सकते हैं। दोस्तों हमारा जो फार्म को आता है जो वायरस, वो कौन सा चीज से पहले आता है और बहुत ज़्यादा आता है, वो जो मच्छर है उसके मदद से ही फार्म का अंदर वायरस फैलता है। और वो चीज़ जो अंदर घुस जाता है वो सारे मुर्गी को पूरा दंच देता है और हमारा जो वायरस है वो पूरा फार्म का अंदर लग जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कितना मच्छर है, हमारा जो मच्छरदानी है लगाया है हमने फार्म का अंदर, देख सकते हैं कितना मच्छर है। हम सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कितना बैठा हुआ है। हम यहाँ से खड़ा नहीं हो पा रहा है हम। दोस्तों हमको जो मच्छर है वो पूरा काटता है, बहुत ही ज्यादा काट रहा है। हम यहाँ से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, आप लोग को कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए कितना मच्छर है। हम जब मच्छरदानी लगाया है फार्म का आउटसाइड है, आप देख सकते हैं, और भी वो थोड़ा देखिए। हम कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए वो जो मच्छर है कितना बैठा हुआ है मच्छरदानी का ऊपर है। दोस्तों आप भी ऐसा ही मच्छरदानी यूज कर सकते हैं फार्म का ऊपर। हमारा वो 3000 फार्म है, 3000 फार्म को हमने मच्छरदानी से कवर करके रखा हुआ हूँ। आप लोग को भी मालूम नहीं हो सकता है, कोई भी दोस्त को भी वो चीज़ मालूम नहीं है और वो भी दिमाग पे नहीं घुसा है हम मच्छर को मच्छरदानी से बच सकते हैं। हाँ दोस्तों आप जो सोचा नहीं है वो चीज़ हो रहा है, आप भी वो चीज़ को इस्तेमाल करिए और आपका मुर्गी को भी सही सलामत बचाए और वायरस से बचाए और वो कोई भी वायरस से लॉस ना खा जाए, हम ये चाहता हूँ। दोस्तों वो चीज़ ज़्यादा पैसा नहीं है, वो बहुत ही कम का अंदर मिल जाएगा है, वो जो उसका प्राइस है थोड़ा लो बजट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अभी वो सर्दी का टाइम है और सर्दी का टाइम पे वो जो मच्छरदानी हम यूज कर रहे हैं थोड़ा वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वेंटिलेशन हो रहा है। वो चीज़ जो आता है बेसिकली रात को आता है, हम रात को लगा देंगे और मॉर्निंग को और दिन को हम उसको खुला देंगे, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छा तरह हो सकता है। अभी थोड़ा सर्दी कम हो रहा है इसलिए हम उसको लगाया है, और जो मच्छर है वो भी ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों हम यहाँ से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, चलिए अभी फार्म का अंदर चलते हैं। हमारा जितना भी है मुर्गी बैठा हुआ है वो कितना आराम से बैठा हुआ है हम आज आप लोग को दिखाएंगे। हम फार्म का अंदर चलते हैं और थोड़ा बात करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हम फार्म का अंदर भी घुस नहीं सकता हूँ, कितना मच्छर बैठा हुआ है। चलिए अभी हम फार्म का अंदर घुस जाएंगे और दिखाएंगे फार्म का अंदर हमारा जो मुर्गी बैठा हुआ है वो कितना अच्छा तरह बैठा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो मुर्गी बैठा हुआ है कितना आराम से बैठा हुआ है, कितना शांत में बैठा हुआ है और आराम से फीड कर रहा है, आराम से ड्रिंक कर रहा है। दोस्तों हम ये बात आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ, आप ये जितना बड़ा फार्म देख रहे हैं हमारा, आप भी वो फार्म को मच्छरदानी से कवर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए हम कहाँ से मच्छरदानी लगा हुआ है, हमारा जो नेट लगा हुआ है नेट का बाहर से लगाया है हमने मच्छरदानी लगाया है, फार्म का 1 फुट आसपास डिस्टेंस है वहाँ से हमने लगाया है। आप भी यहाँ से लग सकते हैं, कोई भी मच्छर एक भी अंदर घुस नहीं सकते, इससे हम फार्म को बच सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही तो मच्छर घुसेगा और इतना ज़्यादा घुसेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम वो मच्छर से बचाने के लिए वो मच्छरदानी यूज कर रहा हूँ और हमारे फार्म को वायरस से बचा रहा हूँ। आप भी ऐसे ही करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो दोस्तों हमारा वीडियो देख रहे हो अभी नया, उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।